Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. So this lecture is basically for what? Class 10, chapter 8. And the name of the chapter 8 is trigonometry. We already did it's all the basic concept as well as rules in trigonometry concepts and rules part 1, part 2 and part 3. Then we were discussed exercise 8.1 and 8.2. We already did it's all the question with each part. Now I'm going to take each and every question of the exercise 8.3. It's very easy. So I hope you will watch the video from start to end, and I hope you enjoy the video. So don't waste our time. Let's come on our first topic. Now look at the board. Trigonometry ratios of the complementary angle. It means आपको क्या discuss करना है यहाँ पे, complementary angle discuss करने हैं. अब complementary angles आपको पता ही है, ये दो angle का sum is equal to कितने degree का होता है, 90 degree का. तो उन angles को क्या कहते हैं, complementary angle. For example जैसे हम बात करते हैं A plus B is equal to what, 90 degree. तो ये एंगल क्या बन जाते हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो आप कहोगे ए और बी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इट मींस यदि आपको एक एंगल पता हो तो दूसरे एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग 90 माइनस ए करके. फॉर एग्जांपल देखिए यहां से सपोज करते हैं यदि हमारे पास लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 90 डिग्री माइनस ए. इसका मतलब ए की वैल्यू है आपकी 30, तो 90 माइनस 30 किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के. तो जब आपको एक एंगल पता होता है तो दूसरा एंगल आप 90 डिग्री माइनस करके निकाल सकते हो. दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों यूज कर रहा है, उसका मेन पर्पस था जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ आपको. एक्सरसाइज 8.2 हमने क्या करी थी इस एक्सरसाइज में, कि एवरी क्वेश्चन को सॉल्व किया था बाय यूजिंग पुटिंग द ट्रिग्नोमेट्री एट वैल्यूज. तो आपको वैल्यूज आई थिंक आपको याद भी होगी, यदि याद नहीं है तो एक बार फिर बोर्ड पे देखिए. मैं सबसे पहले फर्स्ट वैल्यूज की बात करता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू. आपको यदि याद हो मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी डिग्री होती है, जीरो होती है. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, 1/2. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 1/√2. सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, √3/2. और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 1. या आपने रीड कर चुके हो टेबल में. तो आप ध्यान से देखिए साइन थीटा की वैल्यू पता है आपको, साइन थीटा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है. साइन 30 क्या होता है, 1/2. साइन 45 1/2. साइन 60 √3/2. साइन 90 1 होता है. लेकिन जब मैं इसकी अपोजिट की बात करता हूँ, कोस थीटा की बात करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा याद हो तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप क्योंकि आपको बताया हुआ है कि साइन और कोस क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं. तो साइन स्टार्टिंग से चलता है, तो कोस कहाँ से चलता है, एंड से चलता है. तो ये जब कोस की वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे, कोस थीटा की वैल्यू, तो आपको पता है लास्ट वैल्यू क्या है, 1. तो ये वैल्यू आपको 1 मिलेगी. फिर वैल्यू क्या है, √3/2. तो यहाँ पे आपको √3/2 मिलेगी. फिर उसके बाद 1/√2 है. फिर उसके बाद क्या है, 1/2. और फिर 1/2 के बाद क्या है, 0. यही वैल्यूज है. लेकिन यहाँ पे मेरा मेन पर्पज क्या है, क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पे एक मेनली पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस टेस्ट को डिस्कस कर रहा हूँ. आप ध्यान से देखिए, मैं जब साइन 30 की बात करता हूँ तो साइन 30 की वैल्यू मुझे कितनी मिलती है, 1/2 मिलती है. तो आप ध्यान से देखिए कि 1/2 मुझे कोस की भी मिलती है, यहाँ देखिए ये, और एंगल कितने डिग्री पर मिलती है, 60 डिग्री पर. तो 1/2 वैल्यू तो सेम है, लेकिन यही वैल्यू मुझे साइन की बात करता हूँ तो 30 डिग्री मिलती है, लेकिन कोस की बात करता हूँ तो क्या मिलती है, 60 डिग्री मिलती है. इसका मतलब ध्यान से देखिए कि ए और बी यहाँ पर क्या, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है. इसका मतलब 30 प्लस 60 क्या है, 90 डिग्री है. इसका मतलब दोनों एंगल का सब 90 डिग्री है. तो ए और बी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है.
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री, तो सेकेंड एंगल कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 30 मीन 60 डिग्री, यही होगा कॉन्सेप्ट। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज किया, वो चेंज क्या किया वही देखिए, साइन 90 माइनस ए, यदि आप साइन में से 90 माइनस ए कर दोगे तो ये एंगल किस में चेंज हो जाता है, दूसरे एंगल में। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइन फंक्शन चेंज किस में हो गया आपका, कोस फंक्शन में, कब, 90 माइनस ए। तो जब आपके पास कोई फंक्शन साइन है, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यदि मैं ए की वैल्यू की बात करता हूँ, यहाँ पे ए कितना मानता हूँ मैं, 60 डिग्री मानता हूँ, तो आप देखिए कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 वैल्यू होती है, दिखाई दे रही है आपको। अब मैं यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहता हूँ साइन 90 माइनस ए, ए यहाँ पे कितना लिया मैंने, 60। अब आपको पता है साइन 90 माइनस 60 कितना हो गया, साइन 30 हो गया, और साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2 होती है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप इसलिए यहाँ यही रूल अप्लाई करके कुछ चेंजिंग कर सकते हो, यदि आपको बस साइन फंक्शन है और आपको कोस फंक्शन चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, सिंपली उसको माइनस करके, 90 माइनस ए करके। सिमिलरली यदि आपके पास कोस फंक्शन है और आपको साइन फंक्शन चाहिए तो उसको भी 90 माइनस ए करके कर सकते हो, क्योंकि ए और बी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जब आपको एक एंगल पता होता है तो दूसरा एंगल 90 माइनस ए करके आप निकाल सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट, साइन कोस में चेंज होता है, टेंजेंट जो है वो कोट में चेंज होता है, और जो सिकेंट है वो कोसिकेंट में चेंज होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आप जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आप लुक एट द बोर्ड, यहाँ पे कहता है कि एग्जांपल वन ले रहा हूँ, इवेल्युएट, आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है आपको, क्या दिया हुआ है, टेंजेंट 65 डिग्री डिवाइड में कोट 25 डिग्री। अब आपको ध्यान दीजिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है वो वेरी सिंपल आंसर में आता है, या तो जीरो आएगा या वन आएगा, इस टाइप से मोस्टली टर्म्स में इनके आंसर आते हैं। तो नेचुरली बात है ये दो टर्म डिवाइड में है, तो आपस में कट के आपको मोस्टली प्रोबेबली वन आंसर मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको वन मार्क्स का मिलेगा मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए कैसे, आपको पता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेंजेंट है और कोट है। अभी जो मैंने आइडेंटिटी लिखवाई आपको, वो क्या लिखवाई आपको, थोड़ी याद हो तो, यदि याद है तो आप दोबारा देखिए, टेंजेंट 90 माइनस ए, ये किसके इक्वल होता है, कोट ए के इक्वल होता है। इसी टाइप से आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, कोट 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हो आप, टेंजेंट भी लिख सकते हो। इसका मतलब टेंजेंट और कोट आपस में चेंज होते हैं, इसका मतलब एक टेंजेंट है एक कोट है, तो इसको एक चेंज कर दीजिए तो दोनों टेंजेंट टेंजेंट या दोनों कोट कोट बन जाएंगे, तो आपस में कट के आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब दो फंक्शन सेम होंगे, मतलब उनके एंगल भी सेम होंगे, तभी कैंसिल आउट होंगे, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, कोट है यहाँ टेंजेंट, तो मैं एक को चेंज कर रहा हूँ। आपको पता है टेंजेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट ए लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ देखो टेंजेंट ए है, टेंजेंट ए ना, टेंजेंट ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट 90 माइनस ए। इसका मतलब जो एंगल यहाँ आएगा वही एंगल यहाँ आएगा, तो इसलिए मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूंगा, टेंजेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट। करना क्या है आपको, जो भी एंगल दिया है उसको 90 से माइनस करना है, 90 माइनस कितना एंगल बन गया ये 65 डिवाइड में क्या आ गया, कोट 25। यहां तक समझ आया, हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज कर ली, ब्रैकेट में करके। अब स्टार्टिंग में क्या करोगे, अब हर क्वेश्चन में ये लिखोगे कि कौन से रूल से बनाई। अब देखिए ध्यान से, अब आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, अब ध्यान से देखिए, अब हम इसको जस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि 90 में से 65 माइनस कर देते तो आपको कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो ये कितना बच गया, 25 डिग्री डिवाइड में ये भी क्या है, कोट 25 डिग्री। अब देखो कोट कोट है, 25 25 है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई किसकी टेबल पे, 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आपका आंसर आ गया, था ही कितना सिंपल। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। Now look at the board. अब example 2 read करिए। ये कहता है कि sin 3a। आपके पास देखिए question में क्या given है। इसको ध्यान से देखिएगा। Question में given है sin 3a is equal to cos
माइनस 26। अब ध्यान दीजिए, जब आपको कोई बीच में साइन इक्वल करना चाहता है, दो फंक्शन साथ साथ ले, इसका मतलब वहां पे क्या होता है, इक्वेटिंग होती है। इक्वेटिंग कैसे होगी, तो या तो साइन को कोस में चेंज करो या इस कोस को साइन में चेंज करो, तो कि दोनों साइड यदि साइन साइन होगी, तो दो साइन फंक्शन इक्वल तभी होंगे जब उनके दोनों के एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी वो दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इसका मतलब साइन को मैं कोस में लिख सकता हूँ या कोस को किस में लिख सकता हूँ, साइन में। याद है आपको एंटिटी रूल ये क्या था कि साइन 90 माइनस ए करते हो तो आपको क्या मिलता है, कोस ए मिलता है, या आप कोस को 90 माइनस ए लिखते हो तो आपको क्या मिलता है, साइन मिलता है। हमारे पास दोनों रूल है, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे साइन है, साइन ये रहा, साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस ए, ए एंगल यहाँ पे देखो, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ आएगा, इसका मतलब यदि यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, कोस, तो ये क्या बन गया, कोस 90 डिग्री। ये हमेशा एंगल डिग्री में होता है, डिग्री माइनस, यहाँ पे ए देखो, यहाँ पे साइन ए था तो यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे साइन क्या है, 3a है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं 3a लिखूंगा, इज इक्वल टू क्या गिवन है, cos a माइनस 26। अब देखिए, जब ये दोनों इक्वल है, cos cos इक्वल, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इक्वल को करने के लिए यहाँ पे एक इम्प्लाइज का साइन यूज होता है। देखो इम्प्लाइज, दो एरो इक्वल का साइन लगाओ और एक एरो हेड लगा दो, तो ये इम्प्लाइज का साइन बन जाता है। इसका मतलब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो इनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये 90 डिग्री माइनस 3a किससे इक्वल हो गया, a माइनस 26 डिग्री के इक्वल हो गए, दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब इसको सॉल्व करो, 90 डिग्री माइनस के 26 था, इसको इधर ले आइए, तो प्लस का 26 बन गया, ये इज इक्वल टू क्या है, a, माइनस का 3a था, राइट साइड में मूव करिए, प्लस का 3a बन गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, 4a, और इसको ऐड कर दो, ये कितना बन गया आपका, 116 डिग्री। आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो 4 को मूव करो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में करो, 4 टू सा 8 और 3 4 9 सा 36, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 96। अब यहां पे वेरीफाई कर सकते हो कि 3a क्या है, एक्यूट एंगल, आप यहां मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 3a 3 × 29 कितना आ जाएगा, 87, और 87 क्या है आपका, एक्यूट एंगल है, इसका मतलब जो आपका आंसर निकला है वो आंसर क्या है, करेक्ट। तो आपको इसी टाइप से प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1। 1 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कोस 72 डिग्री, दिखाई दे रहा है आपको डिवाइड में, तो डिवाइड में कट के नेचुरली आंसर आपका 1 आएगा, तो देखते ही आंसर आ जाता है, लेकिन अटेम्प्टेशन करना, यदि क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो कैसे अटेम्प्ट करोगे, आपको रूल लगाना है। रूल क्या आता है इसमें, किसी एक को चेंज कर सकते हो, और आपको पता है साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और कोस किस में चेंज होता है, साइन में, तो आप इसको लिख सकते हो। रूल क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोस ए होता है, और कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, साइन ए के इक्वल होता है। इसका मतलब मैं ऊपर वाले को चेंज करूंगा, तो साइन ए, ए की जगह यहाँ पे कितना डिग्री का आ गया, 18 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, कोस 90 डिग्री माइनस ए, ए यहाँ पे मेरा कितना हो गया, 18 डिग्री, डिवाइड में व्हाट, कोस 72 डिग्री। अब ध्यान से सॉल्व करिए इसको, हमने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी यूज कर ली, तो जो सी आइडेंटिटी यूज करो उसको ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज, ये साइन किसका होता है, बिकॉज का। अब देखिए, कोस एज इट इज 90 डिग्री में से 18 डिग्री माइनस करेंगे तो नेचुरली कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा, और ये भी कोस 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री से 72 डिग्री कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 1, तो आपका आंसर कितना है, 1। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट और कोड, आपको पता है टेंजेंट किस में चेंज होता है, कोड में चेंज होता है, रूल वही रहेगा,
बिकॉज टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोट ए होता है, और कोट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कितना होता है, टेंजेंट ए होता है। अब ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ऊपर वाले को चेंज करना जाए तो बिल्कुल आसान बन जाता है। करीजिए टेंजेंट ए, ए यहाँ पे कितना डिग्री है, 26, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, cot 90 माइनस ए, ए यहाँ पे कितने डिग्री का हो गया, 26 डिग्री, डिवाइड में व्हाट, cot 64 डिग्री। इसको सिंपलीफाई करिए, cot 90 में से 26 माइनस करेंगे नेचुरली कितना आएगा, 64 आएगा, डिवाइड में व्हाट, cot 64 डिग्री। अब cot 64 से cot 64 कैंसिल हो गया, इस पे गया 1, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपको एक छोटी सी सिंपली सी बात याद रखनी है, क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, जब आपको देखो साइन कोस मिलते हैं, टेंजेंट कोट मिलता है, सिकेंट कोसिकेंट मिलता है, और उन दोनों के एंगल देखना, दोनों एंगल का सम यदि 90 डिग्री है तो चलो वो आपस में कट के 1 आंसर देंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ 26 था और ये 64, 24 और 64 को ऐड कर दो कितना बनता है 90, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम। या तो 18 और 72 को ऐड करोगे ये भी कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री, इसका मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा, 1। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को यदि एनडीए जेईई वगैरह में अटेम्प्ट किया जाता है तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, आंसर विल बी 1। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, cos 48 माइनस sin 42 डिग्री आपको सॉल्व करना है, इट्स वेरी इजी। आपको देख ध्यान से, ये 48 है, ये 42 है, 48 और 42 को ऐड करो 90 बनता है, इसका मतलब ये भी आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ साइन और कोस है, इसका मतलब आइडेंटिटी लगेगी, किसी एक को चेंज कर सकते हो, तो आइडेंटिटी को जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी, उतना बेटर है आपके लिए। प्लीज मेक अ नोट, आइडेंटिटी क्या थी आपकी, साइन 90 डिग्री माइनस ए हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस ए लिख सकते हो, या कॉस 90 माइनस ए डिग्री हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। अब याद रखिएगा, वहां पे दोनों डिवाइड में थे तो एक को चेंज करा, यहाँ पे माइनस में है तो डिवाइड में कटके तो 1 आंसर आता, और माइनस करके मतलब क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं, ओनली एक को चेंज करो। यहाँ पे क्या है, कोस है, कोस देखो ये रहा, कोस को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस ए, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल आएगा, क्या एंगल कितने डिग्री का है, 48 है, इसका मतलब क्या रिजल्ट आ गया, इसको क्या लिखोगे, कोस को साइन 90 डिग्री माइनस ए कितना है यहाँ पे, 48 है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखना है। अब देखिए ध्यान से, साइन 90 में से 48 माइनस करेंगे 42 डिग्री आएगा, ये 42 डिग्री और ये भी 42 डिग्री है, इसका मतलब साइन 42 साइन 42 से कैंसिल आउट, आपका आंसर कितना आ गया, 0। तो आपका आंसर है 0। यहाँ देखो सिकेंट और कोसिकेंट है, आपको पता है सिकेंट और कोसिकेंट चेंज होते हैं, 31 और 59 कितने बन गए, 90, इसका मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इनका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। कितना सिंपल है, करिए स्टार्ट, क्या लिख सकते हो आप, कोसिकेंट 90 माइनस ए डिग्री हो तो क्या लिखेंगे इसको, सेकेंट ए। इसी टाइप से यदि सेकेंट में आ जाता है 90 माइनस ए तो आप उसको क्या लिख सकते हो, कोसेकेंट ए लिख सकते हो। आप दोनों में से किसी भी एक को चेंज करके आप आंसर सोल्व कर सकते हो, जैसे मैं तो फर्स्ट को ही चेंज कर रहा हूँ, कोसेकेंट है, कोसेकेंट ये रहा, कोसेकेंट को क्या लिख सकता हूँ, सेकेंट 90 माइनस ए, तो इसको सेकेंट 90 माइनस ए, यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, 31, तो ये 31 आएगा, माइनस में ये टर्म है जी, सेकेंट 59। अब ध्यान से देखिए, 90 में से 31 माइनस करेंगे कितना आएगा, 51 आएगा, ये भी 51, 59 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना आ गया आपका, 0, 0 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, आपको शो दैट करना है, इसका मतलब प्रूफ करना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड पे क्या मिलता है आपको, 1, इसका मतलब सारे टर्म आपस में कैंसिल आउट होके आपको 1 आंसर देगी,
लेकिन यहाँ टर्म देखिए 1 2 3 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स कैंसिल आउट का मतलब क्या है, 2 2 की पेयरिंग बनेगी और आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल आउट करेगी। इसका मतलब यहाँ पे दो टर्म को चेंज करना जरूरी है, बाकी दो टर्म को चेंज करने की देर इज नो नीड। तो हम दो टर्म को चेंज करते हैं, बाकी दो अपने आप ही क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज होकर कट जाएगी। सो प्लीज मेक अ नोट, सबसे पहले क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट किस में चेंज होता है, कोट में। तो आपके पास आइडेंटिटी क्या बनती है, उसको लिख लो पहले, आइडेंटिटी टेंजेंट 90 माइनस ए, को क्या लिख सकते हो आप, कोट ए लिख सकते हो, और कोट 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हो आप, टेंजेंट। अब यहाँ पे आप मेन पर्पस रहेगा कि यहाँ तो सारे टेंजेंट है तो आप क्यों कोट में चेंज कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको एक मोस्ट कॉमन सबसे पहला पार्ट वन जो हमने रीड किया था ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कॉन्सेप्ट की थी, अब आपको पता है दोनों आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें से क्यों यूज करेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको पहले ही हमने पार्ट वन में रीड करा है, क्या होता है, टेंजेंट थीटा जो होता है उसको आप 1/ में कोट थीटा लिख सकते हो, और यदि आपके पास कोट थीटा रहता है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/ में टेंजेंट लिख सकते हो, क्योंकि टेंजेंट और कोट क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब आपको दिखाई देता है यदि टेंजेंट ऊपर है और कोट तो नीचे आ गया तो ये आपस में कट सकता है, वही चीज हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से कितना सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन, ये टेंजेंट है, टेंजेंट ये रहा, तो अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे ये आइडेंटिटी, टेंजेंट को क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ए यूज करा, यहाँ पे कितना है 48, यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ 48, सेम यहाँ पे भी वो यूज कर रहा हूँ, कोट 90 डिग्री माइनस ए, ये कितना है 23 है, इतना समझ आ गया। बाकी वो ऐसे देखिए, मल्टीप्लाई टेंजेंट 42 मल्टीप्लाई टेंजेंट 67, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए कितना सिंपल बन गया, इसको सॉल्व करिए, कोट 90 माइनस 48 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा, इंटू कोट 90 में से 23 माइनस करिए कितना बन जाएगा, 67। इन दोनों का एचसीएम देखिए, टेंजेंट 42 इंटू टेंजेंट 67, यहां तक समझ आ गया। अब आपको पता है टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा होता है, इसका मतलब कोट को मैं किस में लिख सकता हूँ, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब देखिए कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/ में टेंजेंट लिख सकता हूँ, लिखिए इसको 1/ में टेंजेंट, जो एंगल होगा वही लिखा जाएगा, 42 है तो 42, फिर कोट है, कोट को 1/ में टेंजेंट लिख सकता हूँ, 1/ में टेंजेंट, इसको ऐसे लिखो, टेंजेंट 42 मल्टीप्लाई टेंजेंट 67। अब ध्यान से देखिए टेंजेंट 67 से टेंजेंट 67 कट गया क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में, ऐसे ही टेंजेंट 42 से 42 कट गया, कितना आ गया आपका 1, तो 1 आपका क्या आ गया आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। और एक छोटा सा एक रूलिंग और याद रख लीजिए, जो जिसमें चेंज होते थे आपको याद है, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो आप सॉरी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, इसका मतलब साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा, ये भी आपको 1 देगा। टेंजेंट किस में चेंज होता है, टेंजेंट रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा का, तो ये भी आपको आंसर 1 देता है। और सिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस थीटा, तो ये भी क्या देता है, 1 देता है। इसका मतलब कोई फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल हमेशा मल्टीप्लाई करके आपको क्या देगा, 1 देगा। फिर इसको इस चीज को भी याद रखिएगा कि साइन है, साइन को उल्टा करते हैं तो कोसेकेंट बनता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई आपको 1 देगी। इसी तरह से टेंजेंट है, टेंजेंट को रेसिप्रोकल करते हैं तो कोट बनता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई वो भी 1। कोस है, कोस को रेसिप्रोकल करोगे तो सेकेंट, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या मिलेगी, तब भी आपको 1 मिलेगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कर रहे हो तो इस टाइप का मेथड याद रखिए, आप फटाफट आंसर को सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, देखिए बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है।
यहाँ दो टर्म में, यहाँ भी दो टर्म में, बीच में माइनस है, इसका मतलब दोनों में कट करके क्या आएगा, जीरो। यदि आंसर में कह देता है इसकी वैल्यू निकालो क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए था जीरो। कैसे, क्योंकि बीच में माइनस है, मोस्टली माइनस आए तो दोनों टर्म कटेगी और जीरो आएगी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, इसका मतलब दोनों टर्म सेम होनी चाहिए तभी कट सकता है। यहाँ दोनों कॉस कॉस है, यहाँ दोनों साइन साइन है, इसका मतलब कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, करिए चेंज। आइडेंटिटी आपको पता है, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए होता है, और साइन 90 माइनस ए क्या होता है, cos होता है। तो मैं इसमें से इसको चेंज कर लूं cos को, पहले टर्म क्या मेरी cos है ना, तो cos को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस करके लिख सकता हूँ, तो लिखिए इसको साइन 90 माइनस ए, यहाँ पे कितना हो गया 38 हो गया, इंटू साइन 90 माइनस 52। दो टर्म को चेंज करना है, इनको चेंज नहीं करना आपको, तो इसको एज इज लेके चलिए, साइन 38 इंटू साइन 52 एज इज लेके चल रहे हो। अब इसको सॉल्व करिए, साइन 90 में 38 माइनस करेंगे तो 52 आएगा, और 90 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। इसका मतलब देखिए ध्यान से, पूरे की पूरी टर्म क्या है, सेम है, यहाँ भी दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, साइन 52 और 38 यहाँ भी सेम हुई है, इसका मतलब पूरी टर्म कट के कट गई, आपका आंसर क्या मिला, जीरो। और जीरो ही क्या करना था आपका, राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ। तो ध्यान से देखिए, सिंपल आपको दिखाई भी दे रहा है, यहाँ 38 है और ये 52, तो यहाँ 38 और 52 नेचुरल है, ये 38 को 52 को ऐड करोगे कितना मिलता है, 90, यहाँ भी ऐड करके देखो सेम है 90, इसका मतलब आपस में कट के आंसर जीरो। यदि ऐसी वैल्यू नहीं होती तो आंसर जीरो नहीं आता, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू 4, अगेन इक्वल का साइन आ गया, इक्वल का साइन आते क्या करना होता है आपको, इक्वेट, सेम स्टेप करिए, क्या गिवन है आपको, टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोण ए माइनस 18 डिग्री, ये चीज गिवन है और आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ टेंजेंट है ये कोण, दोनों में से एक को चेंज कर दो, दोनों टेंजेंट टेंजेंट बन गए तो सॉल्व हो जाएगा, और आपको रूल पता ही है, कोण 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के इक्वल होता है, और टेंजेंट 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, कोण। तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे टेंजेंट है तो टेंजेंट को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस करके लिख सकते हो, तो इसको 90 माइनस करके लिख दीजिए, कोण 90 माइनस, यहाँ पे एंगल ए था तो ए यूज करा, यहाँ पे एंगल कितना है 2a, तो आपको 2a यूज करना है, इज इक्वल टू व्हाट, कोण ए माइनस 18 डिग्री। अब आपको दिखाई देगा दोनों कोट कोट है तो किसका साइन यूज करेंगे, इम्प्लाइज का, तो इम्प्लाइज का साइन यही होता है, इम्प्लाइज का साइन यूज करिए, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, सो 90 डिग्री माइनस 2a किसके इक्वल आ गया, a माइनस 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए, इस 90 डिग्री को तो यहीं पे रखा, माइनस 18 को इधर ले आओ तो ये प्लस का 18 बन गया, माइनस 2a को उधर ले जाओ तो ये प्लस का 2a बन गया। अब ये 90 और ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, और ये हो गया 3a, तो a की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 108 डिवाइड बाई 3, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, तो आपका आंसर है a इज इक्वल टू 36, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4, इफ टेंजेंट a इज इक्वल टू कोट b, अगेन वही सेम क्वेश्चन है, क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट और कोट आ गया, टेंजेंट ए इज इक्वल टू क्या है, कोट बी। रूल आपको पता है, टेंजेंट को क्या लिख सकते हो, कोट लिख सकते हो, कोट 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के इक्वल होता है, या टेंजेंट में लिखेंगे 90 माइनस ए तो किसके इक्वल होता है, कोट के। तो यहाँ पे कौन सा इजी है, आसानी से पहले टर्म टेंजेंट है तो टेंजेंट को क्या लिख सकते हो, कोट 90 माइनस ए, देखिए यहाँ पे कोट
90 माइनस ए, यहाँ पे एंगल ए ही है तो ए का ए ही लिखोगे, इज इक्वल टू कॉट बी। दोनों साइड क्या आ गया, कॉट कॉट, इट मींस आप इम्प्लाइज का साइन यूज करेंगे, एंगल आपस में इक्वल बन जाएंगे। सो 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बी। 90 डिग्री माइनस ए को उधर ले जाइए, क्या बन गया ये, ए प्लस बी। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि ए प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री। हो गया प्रूव, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेकेंट 4a इज इक्वल टू आते तो आपका एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दोनों को इक्वल रखिए। सेकेंट 4a इज इक्वल टू व्हाट, कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री। रूलिंग आपको पता है, सेकेंट किस में चेंज होता है, कोसेकेंट में। रूल लिखिए, सेकेंट 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट ए के, और कोसेकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंट ए। तो यहाँ पे हम सेकेंट को क्या लिख सकते हैं, और कोसेकेंट तक के, तो ये क्या बन गया आपका, कोसेकेंट 90 माइनस, यहाँ पे एंगल ए साथ ए यूज करा, यहाँ पे एंगल कितना है 4a, तो आपको 4a यूज करना है, इज इक्वल टू व्हाट, कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री। दोनों साइड क्या आ गया, कोसेकेंट कोसेकेंट, इसका मतलब इंप्लाइज यूज करेंगे, एंगल आपस में इक्वल हो गए, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस 20 डिग्री। 20 डिग्री को उधर ले आओ, 90 डिग्री प्लस में कितना बन गया 20 डिग्री, माइनस 4a को उधर ले जाओ, प्लस का 4a, इसका मतलब ये बन गया आपका 110 डिग्री, ये हो गया 5a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 110 डिवाइड बाय 5, 5 टू 10 और 20 डिग्री, तो आपका a आ गया a इज इक्वल टू 22 डिग्री, ये आपका आंसर। प्लीज मेक अप नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि a b c आर द इंटीरियर एंगल्स। आपको पता है कोई ट्रायंगल है, हम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी, तो ये एंगल आपका ए एंगल है, ये आपका एंगल बी है, और ये आपका एंगल सी है। तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उसको यूज कर रहे हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑफ अ ट्रायंगल क्या मतलब है, तीनों एंगल का सम सिंपल होता है। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, सिंपली लिख रहे हैं ताकि लिखने में कोई प्रॉब्लम ना है। एंगल को ऐसे लिखते हो, एंगल ए, इससे से एंगल ये बी है, ये एंगल क्या है सी है, मैंने इसको सिंपली क्या लिख दिया, इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी। इसका मतलब यहाँ ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, इतना समझ आ गया। आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे देखो, इसके अकॉर्डिंग जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्म में चेंज करना होगा। यहाँ पे देखो, बी और सी साथ में और ए राइट साइड में, तो यही स्टेप यहाँ करिए। तो बी प्लस सी को तो यहीं पे रखिए, इस ए को मूव करो राइट हैंड साइड पे, ये बन गया 180 डिग्री माइनस ए। अब आपको दिखाई दे रहा है बी प्लस सी के डिवाइड में 2 आना चाहिए और ए के डिवाइड में भी 2 आना चाहिए, इसका मतलब डिवाइड कर दो बाय 2, तो इसको डिवाइडिंग कर रहे हैं हम बाय 2, तो ये क्या बन गया आपका b प्लस सी डिवाइड बाय 2, और ये बन गया आपका 180 डिवाइड बाय 2, सेम यहाँ पे a बाय, यहां तक समझ आया। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, यहां तक आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे साइन चाहिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दोनों साइड क्या ले लो, साइन फंक्शन, टेकिंग साइन फंक्शन ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड साइन फंक्शन का मतलब है साइन लिख दीजिए दोनों साइड, यहाँ पे क्या बन गया साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, ये क्या बन गया साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब ध्यान से देखिए 90 माइनस ए रूल के क्या कहता है, बिकॉज साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल होता है कोस ए के इक्वल होता है। यहाँ देखो ये 90 माइनस ए की जगह क्या है ए बाई टू, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू क्या बन गई कोस ए बाई टू बन गई। तो आप इसको क्या लिखोगे कोस ए बाई टू और इसको देखिए साइन बी प्लस सी बाई, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक्सप्रेस करना है साइन 67 प्लस में कोस 75 इनको स्मॉलर एंगल में, मतलब यहां दिखाई दे रही है आपको एंगल जो 67 वो भी बड़ा एंगल है और 75 भी बड़ा एंगल है, इसको छोटे एंगल में करना है। छोटा एंगल आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो एक एंगल दिया हुआ है तो उसको दूसरा एंगल कौन सा होता है 90 माइनस, इसका अगर इसमें से 90 माइनस कर देंगे तो नेचुरली छोटा एंगल बन जाएगा। सेम स्टेप आपको करना है, रूल देखिए क्या है साइन है आपको पता है कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है साइन ए के इक्वल होता है, यही होता है। ऐसे ही आप यहां भी लिख सकते हो साइन 90 माइनस ए ये किसके इक्वल होता है कोस ए के, तो दोनों को अप्लाई करो। यहां पे क्या है पहले साइन है, साइन ये रहा साइन ए को क्या लिख सकते हो कोस 90 माइनस ए, तो ये बन गया आपका कोस 90 माइनस ए, ए यहाँ पे कितना है 67 है प्लस एच डी। अब कोस कोस ये रहा कोस ए को क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस ए, तो ये साइन 90 माइनस ए कितना हो गया आपका 75, तो ये कोस 10 में से 7 करेंगे तो 3 और 8 में से 6 करेंगे तो 2 23, साइन 90 में से 75 कर देंगे कितना आ जाएगा 15, सॉरी कितना आ गया आपका यस 23 और यस आंसर इज करेक्ट। सो ये क्या बन गया आपको देखो एंगल कितने डिग्री में आ गए 0 से 45 डिग्री, और यही आपको इसको इसमें एक्सप्रेस करना था, सो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete our exercise 8.3. It's very very easy और एक छोटी सी exercise थी, इससे hardly आपका 2 marks का या 4 marks का question बनता है, लेकिन competitive exam में इस type का question आने की possibility बहुत ज़्यादा ही होती है, तो ये concept बहुत important है for your examination point of view whenever you apply for your competitive exams like NDAG, उस case में ये जो exercise है वो काफ़ी important बन जाती है, otherwise for examination point of view ये ज़्यादा 2 marks का questions आएगा या 4 मार्क्स का, मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से पूछा जाएगा। आई होप आपको इस लेक्चर समझ आया होगा, आपको यदि आपको रियली मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एज यू कैन डू, सो वी विल मीट वेरी सून टेक विद अ न्यू वीडियो ऑफ द एक्सरसाइज 8.4। दैट एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट एक्सरसाइज कैरीज मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन आइदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग if you have studied from the Haryana board, it carries maximum 5 marks question, or in CBSE it is either maximum 4 marks question, so depend करता है कि आप कौन से board से belong करते हो, तो उसमें ये maximum marks का question आएगा in exercise 8.4, so be ready for the exercise 8.4, it's very easy but you have to do more and more practice, so that exercise is going to be more and more interesting, so don't forget to watch that video. Again, please do like, subscribe and share my channel. So, thank you once again.